गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कराया था, तो मैंने आज एक न्यूमेरिकल लिखा है। न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिए, अपनी एनसीईआरटी बुक खोलकर देखना, ये न्यूमेरिकल उसमें भी लिखा हुआ है। बट मैं आपको बता देता हूँ, इजी न्यूमेरिकल है और कल भी इस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने बताया था। एक करंट बैलेंस्ड इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग करंट, एक करंट बैलेंस्ड डिवाइस है जो केवल करंट को मेजर कर रहा है। The current to be measured is arranged to go through two long parallel wires of equal length in opposite directions. ये कहता है कि जो दो वायर है ना, उन दोनों में जो करंट पास हो रहा है वो इक्वल लेंथ की वायर है और उनमें एक दूसरे से अपोजिट करंट पास हो रहा है, ठीक है। वन ऑफ विच इज लिंक टू द पिवोट ऑफ द बैलेंस, जिसमें से एक को किसी मतलब एक पिवोट बैलेंस है, एक एक पॉइंट से यूं लटकाया हुआ है और जहां पर उसको बैलेंस किया हुआ है। द रिजल्टिंग रिपल्सिव फोर्स ऑन द वायर इज बैलेंस्ड बाय पुटिंग ए सुटेबल मास ऑन इट द स्केल पाम हैंगिंग ऑन द अदर साइड। और उसके दूसरे साइड अगर हम देखते हैं तो एक पाम रखा लटकाया हुआ है और उसके ऊपर मास रखा हुआ है, ठीक है। और ये उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। आगे क्या कहता है, इन वन मेजरमेंट द मास इन द स्केल पाम इज 30 ग्राम। पहले मेजरमेंट में हमने क्या देखा कि उसके ऊपर जो मास रखा हुआ है ना, वो कितना है भाई, 30 ग्राम। मतलब किलोग्राम बनाओगे तो क्या करोगे भाई, 0.3 किलोग्राम लिख दिया भाई, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आगे क्या कहता है भाई, द लेंथ ऑफ द वायर इज 50 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। अब 50 सेंटीमीटर है तो आपको मालूम है, मीटर के सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.50 मीटर हो गया भाई। उसके बाद एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 10 mm, उनके बीच में जो सेपरेशन है, जो आप आर लेते हो वो 10 mm है। 10 मिलीमीटर का मतलब क्या है भाई, 0.01। क्या होता है भाई, मिलीमीटर के मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को 1000 से इसको 100 से और इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ गई कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0.01 मीटर। अब आगे क्या कहता है ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट बीइंग मेजर्ड। भाई उन दोनों में आई करंट पास हो रहा था, दोनों में आई करंट पास हो रहा है, अब वे उसको मास को बैलेंस कर रहा है, तो सीधा सा मतलब क्या है कि उस पर जो फोर्स लगा हुआ है ना, वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2πr। बोलो था कि नहीं। अब ये मैग्नेटिक फोर्स था और नीचे इसका क्या लग रहा है भैया, वेट mg। अब हम I1 I2 की बात करेंगे तो हम क्या कह देंगे, यहां पर दोनों में सेम और अपोजिट करंट पास हो रहा है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन है तभी तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है भाई, तो हम क्या कह देंगे, दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाई वेट इज इक्वल टू एम जी। हमने क्या निकालना है बेटा, I मल्टीप्लाई बाई I, आई स्क्वेयर लिख देते हैं, एम जी मल्टीप्लाई बाई 2πr अपॉन क्या हो गया बेटा, म्यू नोट इन टू एल। आई निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, मास कितना है भाई, 0.03, ग्रेविटी 9.8, 2π मल्टीप्लाई बाई r कितना है, 0.01, अपॉन म्यू नोट की वैल्यू 4π मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, लेंथ कितनी है भैया, 0.5। क्लियर है, आप आई की वैल्यू निकाल दीजिए, देखिए यहां से 2 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आप 5 × 2 = 10, जिस भी तरह से आप कैलकुलेट करना चाहो आप कैलकुलेशन करिए और आंसर निकाल दीजिए, ये आपके पास आई आ जाएगा, आई इज इन एम्पियर। आपने देखा क्वेश्चन काफी लेंदी था, पढ़ने में काफी टिपिकल लग रहा था, बट क्वेश्चन इजी है, ठीक है भाई। चलो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे भाई, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क एक्टिंग ऑन देम। मेरी बात समझ गए होंगे भाई, तो अब आगे देखिए भाई,
एक मिनट, चलो देखिए। अगला जो हमारा टॉपिक है भाई, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, यहां सीधा लिख देते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम टॉर्क पढ़ेंगे। टॉर्क आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स भी कैसे लगने चाहिए। फोर्स एक्टिंग, फोर्स डू नॉट एक्टिंग ऑन ए लाइन कोलिनियर, फोर्स एक्टिंग सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इक्वल एंड अपोजिट। समझ आ गया? तो देखिए, सबसे पहले हम एक डायग्राम से शुरुआत करते हैं। एक कॉइल ले लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने क्या कहा भाई, मैं यहां पर इधर एक नॉर्थ पोल लगा देता हूं, इधर मैं एक साउथ पोल लगा देता हूं, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट है। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर हम एक कॉइल रख रहे हैं भाई, ठीक है। यहां पर हम एक कॉइल रख रहे हैं। अब ये कॉइल मैं रख रहा हूं, जैसे कि मैं आपको एक्सिस के अकॉर्डिंग बता देता हूं बेटा, ठीक है। हम एक्सिस के अकॉर्डिंग बता देंगे आपको। देखिए, मैंने क्या कहा, हमारे पास ये एक कॉइल है, मैंने इसका नाम रख दिया पी क्यू आर एस। पहली बात ध्यान से समझना है, मैंने कहा नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। जैसे कि आपने क्या कहा, यहां पर एक बोर्ड लगा दिया, यहां एक बोर्ड लगा दिया, मतलब यहां एक नॉर्थ पोल, यहां एक साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड यूं हॉरिजॉन्टल जा रहा है, पहली बात। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने कॉइल को रखना है, ये हमारी कॉइल है, जैसे ये हमारा जो बोर्ड है जिस पर मैं लिख रहा हूं, इसको कॉइल मानकर चलिए, लिख दीजिए पी क्यू आर एस, ऐसे। पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये जो कॉइल है ना, ये हमने बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी, हमने इसको क्या कह दिया, ये जो जेड एक्सिस है और ये वर्टिकल वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस है, जो हमारी क्यू आर है, पी एस है, ये हमारी जेड एक्सिस में है। अब ये कॉइल यूं रोटेट कर रही है, ठीक है, ये कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है, मेरी बात समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखना, ये कॉइल मान लीजिए ऐसे है, यूं है, मेरी बात समझ गए। अगर ये कॉइल इस पोजीशन पर है तो हम क्या कहेंगे कि भाई इस कॉइल के अंदर हमने क्या कहा था, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ये करंट लूप। अब ये कॉइल है, लूप है, इसमें करंट पास हो रहा है, तो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन भी शो करिए, पी क्यू आर टू एस एस टू पी। कॉइल के अंदर तो यूं ही करंट जाएगा, हमने कह दिया कि इसके अंदर कितना करंट जा रहा है भैया, आई करंट जा रहा है, क्लियर। अब ये कहता है कि अब इस पर फोर्स निकालिए, रेक्टेंगुलर लूप, अगर आपने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा कि आप यहां रखोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, इसके बाद रखोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, हर पॉइंट पर। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट रख दी है, समझ गए कि नहीं। अब हमने क्या कह दिया, यहां पर मैं कह देता हूं आई करंट फ्लो इन लूप, पहला पॉइंट। दूसरा मैं यहां पर ले रहा हूं कि अगर मैं इनकी साइड्स बता दूं तो क्या होगा भाई, मैंने कहा कि ये जो साइड है ना, ये तो है हमारे पास ए, और जो ये वाली साइड है ना, ये हमारे पास है बी। यहां पर बता देता हूं, लो जी, रेक्टेंगुलर लूप है, हमने कह दिया ए बी
साइड्स ऑफ कॉइल, समझ आ गया। उसके बाद मैंने कह दिया हमने कैपिटल ए को एरिया मान लिया, ए मल्टीप्लाई बाई वाई, बी रेक्टेंगुलर है, क्या कह दिया हमने एरिया ऑफ कॉइल, इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं लिख रहा हूं। कैपिटल बी को क्या कहा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझ आ गया। और यहां पर एक थीटा और बता देता हूं, थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल, ये भी याद रखना है। कॉइल का जो एरिया वेक्टर है ना और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल है। जैसे कि देखो हमने क्या कहा, मैंने ये यूं ओरिजोनटल है, अब मैंने यूं रख दिया, बेटा इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस तरफ हो गया, ओरिजोनटल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो एरिया वेक्टर को दिखाना चाहता हूं मैं यहां पर, एरिया वेक्टर यहां हो गया परपेंडिकुलर, तो इन दोनों पेन के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा, समझ आ गया। क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ओरिजोनटल हो गया, तो इनके बीच में जो एंगल शो हो रहा है वो क्या हो गया हमारे पास, थीटा, समझ आ गया। मैंने यहां पर थीटा भी आपको बता दिया है। अब हम क्या कहेंगे भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इन ईच साइड, क्योंकि हमें पता है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या लगेगा भाई, फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो हमने यहां देखा कि कॉइल की कितनी साइड है भाई, चार साइड है, पी क्यू आर एस पी, बोलो है कि नहीं, पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, चारों पर फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि ये चारों की चारों किस में रखी हुई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो हम क्या कहेंगे भाई, एफ वन फोर्स एक्टिंग ऑन PQ साइड, क्लियर, F1 जो फोर्स है वो PQ साइड पर एक्ट कर रहा है। बेटा एक फॉर्मूला बताइए क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेटा BIL साइन थीटा, बोलो होता है कि नहीं, क्लियर है। हम क्या कहेंगे, हम यहां लिखेंगे बेटा V नो क्लियर है, साइन थीटा नहीं लिखूंगा, साइन फाई लिखता हूं, क्योंकि थीटा हमने यहां पर एरिया वेक्टर और उनके बीच में एंगल बताया है। अब देखिए एफ वन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट आई है, बेटा लेंथ पी क्यू साइड कितनी है, बी ले रखी है ना, बी लिख दिया, बी आई बी। अब साइन, आप एक बात बताओ, ये कॉइल कैसे भी घूम जाए ये साइड तो यूं ही रहेगी ना, और मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा, बेटा इस साइड के साथ अगर हम एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री बनेगा हमेशा, मतलब यहां पर फाई की वैल्यू क्या लगा देता हूं, 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो हमने क्या लिख दिया बेटा, ये फोर्स F इज इक्वल टू देन F1 इज इक्वल टू बी आई बी, कोई प्रॉब्लम है, ये हमारे पास क्या आ गया भाई, फॉर्मूला आ गया हमारे पास, नेट फोर्स आ गया। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसकी डायरेक्शन बतानी है। आप एक बात देखिए, करंट उधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अगर हम आई क्रॉस बी, ये एल क्रॉस बी निकालते हैं तो बेटा पी क्यू की लेंथ इधर है, एल क्रॉस बी करेंगे तो थंब कहां जा रहा है, डाउनवर्ड, मतलब इनवर्ड द पेपर, कहां जा रहा है बेटा, इनवर्ड द पेपर। और इनवर्ड डायरेक्शन कहां बनाते हो, मान लीजिए आप यहीं पर दिखाना चाहते हो, आपने करंट ऊपर दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखा दिया, तो इनवर्ड द पेपर दिखाओगे तो फोर्स तो एफ वन इधर हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, इनवर्ड द पेपर के लिए, क्योंकि इनवर्ड उधर दिखाते हैं, आउटवर्ड कहां दिखाते हैं, बाहर दिखाते हैं, शायद आपको याद होगा बहुत अच्छे से। चलो सेकेंड पढ़ते हैं, हम कह देते हैं एफ टू फोर्स एक्स ऑन क्यू आर साइड, क्यू आर साइड पर निकाल देते हैं तो सीधा एफ टू इज इक्वल टू बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी, क्लियर, और करंट आई हो गया, साइड कितनी है बेटा एल, लेंथ क्यू आर की लेंथ कितनी है, ए है लिख रखी है हमने, रेक्टेंगुलर है तो ए हो गया, साइन। अब थीटा बताना है, क्या बताना है भाई, थीटा। अब मान लीजिए आपने यू रखी हुई है, ये साइड नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये वाला एंगल अल्फा मान लेता हूं मैं, यहां मैं बता देता हूं
अल्फा एंगल मेक्स बिटवीन करंट प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया होगा, मतलब जिस प्लेन के अंदर करंट पास हो रहा है, ये प्लेन है पूरा, इस प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। पिछली बार शायद आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर इधर है, इनके बीच में मैंने क्या माना था, थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन है, नीचे वाला ये वाला प्लेन है, तो इनके नीचे वाला एंगल क्या माना है मैंने, अल्फा। क्योंकि यहां पर देखिए इस डायरेक्शन में यू करंट पास हो रहा है, ऐसे करंट पास हो रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये नीचे का एंगल ही होगा। ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है। अब हमें पता है भाई करंट यूं जा रहा है, या फिर आपने कहा कि कॉइल हमारी यूं घूम रही है तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। जब हम यूं देखेंगे तो भाई हमारा जो लेंथ है वो ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, थंब कहां जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब हमने क्या कहा, यहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी, यहां हमारी क्या है करंट है आई, और इधर हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है एफ टू। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और ये डायरेक्शन तो वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो, या फिर मैं तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट रूल ही लगाता हूं, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यहां बी लिख लीजिए या आई लिख लीजिए, यहां पर एफ लिख लीजिए, वही बात है, आई बी और इनके डायरेक्शन में आप रखेंगे तो अपने आप डायरेक्शन आ जाएगी। अब थर्ड पॉइंट लिखता हूं एफ थ्री, यहां पर लिख सकते हो अगर वेक्टर लगाते हो एक्स इनवर्ड, यहां पर लिख सकते हो एक्स अपवर्ड, सॉरी अपवर्ड नहीं, ये कौन सी एक्सिस है, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है ना, तो एक्स ऑन एक्सिस ऑफ लूप आउटवर्ड, ये अपवर्ड ही लिख दो इसको, हम इनवर्ड आउटवर्ड इसको लिखेंगे, इसको अपवर्ड ही लिख देते हैं, अपवर्ड ऑन एक्सिस ऑफ लूप। ठीक है, एफ थ्री फोर्स एक्ट्स ऑन कौन सी साइड पर है भाई, आर एस साइड पर बता दे, आर एस साइड पर बताएंगे बेटा करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, लिख भी रखा है, फोर्स कहां लगेगा, आउटवर्ड लगेगा, हमने इसको बाहर की तरफ लगा दिया और इसको एफ थ्री लिख दिया। हम इसकी वही डायरेक्शन है, करंट नीचे है भाई, हम करंट की डायरेक्शन में यूं करेंगे तो थंब कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट लाइन, करंट नीचे की तरफ यूं आ गया, थंब कहां जा रहा है, ऊपर, मतलब आउटवर्ड द पेपर है, तो हम इसको आउटवर्ड लिख देंगे, एफ थ्री इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी करंट आई, और भाई आर एस की साइड तो पी क्यू के बराबर है, बी साइन 90 एक्स आउटवर्ड, कोई प्रॉब्लम है। अब ध्यान से देखिए एफ फोर लिख देता हूं, सिमिलर फोर्स एक्ट्स ऑन एसपी साइड पर है, तो एफ फोर को लिख दिया, क्या हो गया हमारे पास बी आई ए, और उसके बाद साइन फाइव होगा, मतलब 180 माइनस फाइव कह सकते हो या फाइव भी कह सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि यहां पर ये डायरेक्शन अलग है ना, वही उधर फाइव लिया था तो ये तो पूरा एंगल घूम के जाएगा, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस फाइव, यू मैग्नेटिक फील्ड के साथ लोगे तो। ठीक है, अब देखिए 180 माइनस साइन 180 माइनस फाइव भी साइन फाइव होता है, और ये कहां पर एक्ट करेगा, एक्ट डाउनवर्ड ऑन एक्सिस ऑफ लूप, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन देखोगे तो कहां पर एक्ट करेगा बेटा, डाउनवर्ड एफ फोर, क्योंकि आप डायरेक्शन देख सकते हो जिस तरह आपने इसमें दिखाई थी, यहां दिखाओगे तो यहां पर ऊपर की तरफ दिखाओगे, ऐसे घुमाओगे तो आप क्या करोगे डायरेक्शन के लिए, ये करंट हो गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यू दिखाएंगे तो ये कहां गया, बाहर की तरफ आ गया, हम इसको देखेंगे तो एफ फोर नीचे लगेगा, हम यहां पर क्या देख रहे हैं, वी सी F2 and F4 acts equal and opposite
एंड कोलिनियर। कोलिनियर एक्ट कर रहे हैं एक ही लाइन पर, इक्वल और अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे, देन बोथ कैंसिल ईच अदर। समझ आ गया, उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने एक दूसरे को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया बेटा, कैंसिल कर दिया। जब हमने इन दोनों को एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल कर दिया, तो अब आगे देखिए बेटा, आगे करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास चार फोर्स थे, F1, F2, F3, F4। F2 और F4 कोलिनियर लग रहे थे, ये इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा था, ये नीचे की तरफ, एक दूसरे के अपोजिट थे, कैंसिल कर दिया। अब देखेंगे कि ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, बट कोलिनियर नहीं है। मतलब ये क्वाइल ऐसे है, ये इसको अंदर की तरफ धकेल रहा है, ये इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, तो क्या करेगी ये कॉइल, रोटेट करेगी। मींस हम यहां पर क्या लिखेंगे, F1 एंड F3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब आप सोच रहे हो कि सर ने उसमें भी यही लिखा था कि इक्वल भी है अपोजिट भी है, बट वहां पर लिखा था कोलिनियर, मतलब एक लाइन में एक्ट कर रहे हैं। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक्ट कर रहे हैं, देन कॉइल रोटेट एंड टोर्क एक्टिंग ऑन देम। समझ आ गया, कॉइल रोटेट करेगी और टॉर्क एक्ट करेगा। वी नो टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ाया हुआ है भाई, एनी फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एनी फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये किसका फॉर्मूला होता है भैया, टॉर्क का फॉर्मूला होता है। दोनों फोर्स इक्वल है, कोई भी एक फोर्स रखिए, फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, BIB, F1 की वैल्यू रख दीजिए या F3 की, BIB मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालकर दिखाएंगे। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये कॉइल जो है ना, सॉरी यहां डायग्राम बना देता हूं मैं, सबसे पहले जो एक कॉइल है, ऐसे फोर्स लगे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कहा इस कॉइल पर जो ये फोर्स लगा हुआ है ना, ये इनवर्ड है, और इस पॉइंट पर जो ये फोर्स लगा हुआ है ना, ये क्या है, आउटवर्ड है। मैंने इसको बोला इनवर्ड, इसको मैंने बोला आउटवर्ड, ध्यान से समझना है। ये जो इनके बीच का गैप है ना, ये जो गैप है, ये साइड हमारे पास है ए, देख लीजिए। मैंने ये कहा इस पर जो फोर्स लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ऊपर, इस पर लगा हुआ है नीचे, और यहां पर अगर इन दोनों के सेंटर की बात करें तो ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लगे हुए हैं, और ये साइड कितनी है बेटा, ए है, ए ली थी ना हमने, ये तो ए, तो मैंने ये बता दिया ए। अब मैंने क्या कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, हमने क्या कहा, मैंने आपसे कई बार आपसे बताया हुआ है कि एक को पीछे बढ़ाओ और दूसरे से परपेंडिकुलर डाल दो, समझ आ गया, या इसको आप पीछे बढ़ा सकते हो, यहां परपेंडिकुलर डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मेरी बात समझ आ गई होगी कि जैसे कि आपकी ये साइड है, तो अगर मान लीजिए हम इनके अंदर, जैसे कि इसी का एक डायग्राम बनाए, तो मैं क्या कहूंगा कि ये देखिए इस तरह से है, यू ये ऊपर है, वो नीचे है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से ये लाइन तो ए है हमारे पास, हमने क्या किया, यहां से एक इसको पीछे बढ़ाया और परपेंडिकुलर डाल दिया। किसी को भी, जैसे कि आप ये भी कह सकते हो कि हम यहां पर ऐसे भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो सर ये परपेंडिकुलर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जो ये एक्सिस ली है, ये जेड एक्सिस है। मान लो आप ये कहते हो कि हम इनको वाई एक्सिस और इन दोनों के अंदर लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि भाई एक तो फोर्स इधर लगा हुआ है,
और एक फोर्स लगा हुआ इधर, ठीक है, और ये आपके पास साइड है बी, सॉरी ए साइड है। अब क्या होगा, ये रोटेट करेगा ना, ये रोटेट करेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या रूल था, एक को पीछे बढ़ाओ और दूसरे पॉइंट से क्या डाल दो, परपेंडिकुलर। ये आपको समझ क्यों आया, क्योंकि आपने ये एक्स एक्सिस में ले लिया, ये वाई में ले लिया। यहां पर हम किस में बता रहे हैं, एक को हम जेड में बता रहे हैं, एक को हम वाई में बता रहे हैं, सॉरी एक्स में बता रहे हैं, समझ आ गया होगा। तो ये ध्यान से समझना था, हमने क्या कहा भाई वो ए है, यहां से परपेंडिकुलर डाला। तो एक बात ध्यान से देखिए, पहली बात हमें थीटा भी तो ढूंढना है, थीटा हम अगर उनके प्लेन और इनके साथ देखते हैं तो थीटा मैंने लिखा था पहले ही, उनके एरिया वेक्टर थीटा मैंने लिख दिया था। बेटा ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लगा हुआ एंगल है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पर देखें तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। अब अगर हम फोर्स को देख रहे हैं तो फोर्स कहां लगा हुआ है, ध्यान से देखो, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने इस कॉइल को यूं लिया था, एरिया वेक्टर ऐसे बताया मैंने, ये एरिया वेक्टर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल क्या है, थीटा है। अब मैंने क्या किया, इस फोर्स के साथ और इस कॉइल की लाइन के साथ, यहां जो मैंने इसको आगे बढ़ाया, यहां पर थीटा एंगल बनाया। अब आपने इसको सोचना है, ये साइड हमारे पास ए है, ए साइड और फोर्स के साथ मैंने क्या दिखाया, थीटा एंगल। आपको याद होगा कि जब मैंने आपसे एक पॉइंट बताया था कि दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है, अगर उन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उनके बीच में भी सेम एंगल होता है। हम देख रहे हैं फोर्स परपेंडिकुलर है इन दोनों के, और जो ये लाइन है ये भी तो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मेरी बात समझ गए। तो उन दोनों के बीच में भी क्या होगा, सेम एंगल होगा। अगर ये इन दोनों के बीच में सेम एंगल आता है तो हमने क्या कह दिया बेटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा, क्या हो जाएगी हमारे पास है, ए साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए साइन थीटा आ गई, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टॉर्क हमारे पास क्या आया था यहां पर, बी आई बी इंटू ए साइन थीटा। क्लियर, इफ कॉइल हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स देन, सॉरी कैपिटल एन लिख देता हूं बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टाउ इज इक्वल टू एन बी आई बी ए साइन थीटा। बेटा बी मल्टीप्लाई बाई ए क्या लिखा था, ए एन बी आई ए साइन थीटा, ये हमारे पास टोर्क की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास टोर्क आ गया तो मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं यहीं पर, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास टोर्क आ गया। अब इस टोर्क का एक पॉइंट और देख लीजिए, मैं ये कहता हूं कि यहां पर M को मैं मैग्नेटिक मोमेंट बताऊंगा, M मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल, और M इज इक्वल टू होता है एन बी ए, सॉरी एन एन आई ए, एन आई ए मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, एन आई ए मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे कि आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, इसी तरह यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो कॉइल के अंदर क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन आई ए, हमने इसको एम से डिनोट कर दिया, टाउ इज इक्वल टू हो गया एम बी साइन थीटा। क्लियर, एम ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन होती है, इट हैज डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल। कॉइल के एरिया वेक्टर पर की जो डायरेक्शन होती है वही उसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहां तक क्लियर है भाई। अब हमने क्या कहा, अब डायरेक्शन की बात करते हैं, साइन थीटा है तो टाउ इज इक्वल टू, हमने क्या बता दिया भाई, एम क्रॉस बी,
क्या बता दिया भाई, डायरेक्शनल क्वांटिटी हो गई एम क्रॉस बी, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट इसके एरिया के डायरेक्शन में है। जैसे एरिया इसका ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थंब कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अगर आप इसके टॉर्क की डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आपने कहा कि ये इसका क्या है, एरिया वेक्टर है, इधर क्या हो गया ये एरिया वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट है, इधर क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन देम इज इन दिस डायरेक्शन। आपने क्या कहा, ये एंगल क्या है थीटा, एम क्रॉस बी, थंब इज इन द डायरेक्शन। समझ आ गया? तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, टॉर्क आ गया। आप ये कहते हो स्पेशल केस पढ़ना जरूरी है। आपने कहा इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो है, इसका मतलब क्या है बेटा, एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, कॉइल यूं है, एरिया वेक्टर उधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर हो गया, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई सेम। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो थीटा क्या होगा, जीरो, और अगर थीटा जीरो होगा देन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स टॉर्क उस पर क्या लगेगा भाई, जीरो लगेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर थीटा 180 डिग्री लेते हो तो भी उस पर टॉर्क क्या लगेगा, जीरो। तो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, क्लियर है? आपने सेकंड स्पेशल केस में कहा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपको पता है साइन 90 मैक्सिमम 1 होता है, साइन 1 होता है तो साइन 90 1 होगा, देन टाउ क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी एम बी और एन बी आई ए, क्योंकि एन आई ए को हमने मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया, तो ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी। सीधा मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो और एन बी आई ए भी कह सकते हो। यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो टॉर्क होता है ना वो एन बी आई ए साइन थीटा होता है, दैट डिपेंड्स ऑन करंट, एयर टाउ डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, पहला नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट कितना पास कर रहे हो, चौथा किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, एरिया ऑफ लूप, मेरी बात समझ गए होंगे, एरिया ऑफ लूप, और किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, थीटा, थीटा तो भाई ये तो रोटेट करेगा, थीटा तो चेंज होता रहेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट की मैं आपको बताता हूँ, एक मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन शेप, शेप ऑफ लूप, मतलब आपसे ये कह दिया जाए कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है और एक रेक्टेंगुलर लूप है, दोनों का एरिया सेम है, तो टॉर्क किसका ज्यादा होगा, शेप पर डिपेंड नहीं करता। अगर दोनों का एरिया सेम है तो दोनों का सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं तो लूप का जो टॉर्क होगा वो दोनों का सेम होगा, मेरी बात समझ गए। अगर मान लीजिए एक घुमा फिरा कर कह दिया जाए, इफ पैरामीटर ऑफ लूप इज सेम, ये कह दिया जाए, अगर लूप का पैरामीटर सेम है देन इन रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, रेक्टेंगुलर स्क्वायर और सर्कुलर विच हैव हाई टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क, अगर इनका पैरामीटर सेम है तो किसका टॉर्क ज्यादा होगा, तो एक बात ध्यान रखना है, देन टाउ सर्कुलर इज ग्रेटर, टाउ स्क्वेयर विच इज ग्रेटर टाउ रेक्टेंगुलर, पता है क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कुलर
इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपने मान लीजिए कोई भी लूप बनाई, आपने कहा ये साइड 5 है, ये 3 है, एरिया कितना हो गया 15, इसी का स्क्वायर बनाओ 5 3 8, ये 5 ये 3 8, अगर स्क्वायर बनाया तो 4 4 4 4 बना, एरिया कितना हुआ 16। मेरी बात समझ रहे हो, स्क्वायर मीटर, बोलो वाह कि नहीं भाई। स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल से ज्यादा हो गया, फिर इसी तरह इसी का ही आपने क्या बनाना है लूप, तो क्या कहोगे भाई 2πr = कितना था भाई ये 16 था, बोलो था कि नहीं। अब r निकाल दो यहां से 16/2π, अब एरिया निकालोगे पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहां पर पुट करिए और फिर कैलकुलेट करिए, इसका एरिया और भी ज्यादा आएगा। तो आपको पता है कि फॉर्मूले में तो NBIA होता है ना, तो आप क्या अब आप कंफ्यूज हो गए, सर ने कहा था कि भाई इंडिपेंडेंट ऑन द शेप, अब कह रहे हैं कि शेप अलग अलग हुई तो अलग अलग टॉर्क होना चाहिए, है ना। बट मैंने आपको बताया था ये कंडीशन कौन सी है कि पैरामीटर ऑफ द लूप सेम बोल दिया जाए, तो यहां पर मैंने क्या कहा था कि अगर एरिया ऑफ द लूप, मान लीजिए आपने कहा कि हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं उसका एरिया और एक रेक्टेंगुलर लूप उनका एरिया अगर सेम है तो क्या होगा, तो उनका टॉर्क उन पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ आ गया, क्लियर है यहां तक? तो इस तरह के पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, शायद आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने टॉर्क पढ़ा था पोल के लिए टाउ ई इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, शायद आप उसको इसके साथ कंपेयर करें, पी डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट, ई क्या था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, मेरी बात समझ आ गई। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा भाई, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे भी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हैं, तो यहां पर मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं। अब मान लीजिए ये लूप है ना, ये रोटेट हो रही है, ठीक है, आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, फाइंड द, आपसे ये पूछा जाएगा भाई फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लूप, क्या पूछा जाएगा भाई फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लूप, तो मैं आपको बता ही देता हूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लूप, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। बेटा आप एक बात बताइए, हमें पता है, मैं क्या कह रहा हूं, वी नो टाव इज इक्वल टू आई अल्फा पढ़ते हैं, टाव इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं भाई आई अल्फा, जब हमने ये पढ़ा टाव इज इक्वल टू आई अल्फा है तो हमने क्या कह दिया, अल्फा क्या होता है हमारे पास बेटा डी ओमेगा बाई डी टी, बोल होता है कि नहीं, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब मैंने क्या किया, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या लिखा, टाउ इज इक्वल टू आई, मैंने इसको क्या लिख दिया बेटा, डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, कोई प्रॉब्लम है, डी थीटा को यहां, डी ओमेगा को यहां, बेटा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, यहां पर मैंने लिख दिया ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है। हमने क्या कह दिया, आई ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, कोई प्रॉब्लम है। हमने यहां पर क्या पढ़ा था बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू एन बी आई ए साइन थीटा, या फिर आपने क्या पढ़ा था एम बी साइन थीटा, टॉर्क ऑन लूप, बोलो पढ़ा था कि नहीं, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर आराम से कर सकते हैं शायद, तो हमने क्या कह दिया, आई ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, बेटा इसके अपॉन में डी थीटा है, इसको मैं राइट साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, आई ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, यहां से देखिए आई बाहर आ गया, यहां कर देता हूं आई बाहर आ गया, ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम बी बाहर ले लिया हमने, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा माइनस कोस थीटा,
बोलो हो गया कि नहीं। अब लिमिट पॉइंट हम जीरो से पाई बाई टू पुट करते हैं, क्योंकि हम एंगल जीरो से पाई बाई टू इसलिए ले रहे हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है वो जीरो से ओमेगा हो रही है जब हमारा एंगल जीरो से पाई बाई टू चेंज हो रहा है। जीरो कॉस जीरो का मतलब ये साइन जीरो का मतलब टॉर्क जीरो और साइन 90 का मतलब टॉर्क मैक्सिमम, तो उसी में ही तो निकालना है भाई एंगुलर वेलोसिटी। तो जीरो से मैक्सिमम ही निकालेंगे, तो जीरो से पाई बाई टू इंटीग्रेट कर दिया हमने, लिख दिया जीरो से पाई बाई टू, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया आई ओमेगा स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम बी, बेटा माइनस बाहर ले लेंगे कोस पाई बाई टू जीरो कोस जीरो वन, तो प्लस आ जाएगा तो एम बी ही बचेगा मेरे हिसाब से। तो अब क्या हो गया ओमेगा निकालना है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया टू एम बी अपॉन आई और इसका अंडर रूट। ये आपके पास क्या आ गई बेटा एंगुलर वेलोसिटी, समझ आ गया होगा। तो आपसे काफी बार एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ सकता है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आप केवल इसको ढंग से पढ़िए, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल करिए और अपनी बुक के न्यूमेरिकल करिए, जो केवल और केवल टॉर्क एक्टिंग होने लूप है, जिसमें आप सर्कुलर लूप भी ले सकते हो, रेक्टेंगुलर लूप भी ले सकते हो, सभी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली मेरे पास कॉल करिए, मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, मेरे पास मैसेज भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन करा के भेजूंगा। थैंक यू।